नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकार नई, सीएम वही। नीतीश कुमार ने 8वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, तेजस्वी बने डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी यादव ने कही बड़ी बात, 2-3 माह में देंगे युवाओं को रोजगार। आगे जाने खास बातें। IGIMS में नई तकनीक से 15 मिनट में होगी मोतियाबिंद की सर्जरी, केवल 2 घंटे बाद देख सकेंगे सब कुछ। कब है रक्षाबंधन? 11 या 12 अगस्त को, आइए दूर करें आपका कंफ्यूजन। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति ने फिर से सबको चौंका दिया है। यह उनका कौशल है कि बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार बने लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं, जैसे कि 2015 में राजद से और 2020 के विधानसभा में भाजपा से कम सीट मिलने के बावजूद दोनों ही पार्टियों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, और अब 2022 में एक बार फिर से महागठबंधन के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने दोनों को राजभवन में शपथ दिलाई। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद तेजस्वी यादव ने पांव छूकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार ने शपथ लेने के बाद कहा कि मैं चुनाव के बाद सीएम नहीं बनना चाहता था, बीजेपी के साथ जाने से हमें नुकसान हुआ और पिछले 2 महीने से हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व सीएम राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। समारोह के बाद राबड़ी देवी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार और देश की जनता के लिए यह बहुत अच्छा हुआ है, बिहार की जनता बहुत खुश है। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार में नौजवानों के लिए काम करने आए हैं। नीतीश कुमार ने बुधवार को राजभवन में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ तेजस्वी यादव ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने राजभवन से बाहर निकलते हुए पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार भी भाजपा से परेशान थे। भाजपा युवाओं को रोजगार देने का वादा करके सरकार में आई थी, मगर हम देख रहे हैं कि युवा की आज क्या हालत है। हमने नीतीश कुमार से बात की, वो सभी बातों पर सहमत है। हम जल्द ही 2-3 महीनों में युवाओं को रोजगार देने की कवायद शुरू करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के साथ वाली सरकार में बिहार का विकास पूरी तरह से रुक गया था। हम महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व, हम बिहार का विकास करने के लिए हम काम करेंगे। देश विरोधी शक्तियों ने आम जनता की मुस्कान छीन ली थी, लोग परेशान थे। नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है वो पूरी तरह से सही है। 2024 में भाजपा आपको कहीं नहीं दिखेगी। अब बिहार में ऐसी स्थिति हो गई है कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ है और भाजपा अलग थलग पड़ी होगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव लगातार राज्य में बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। इससे लेकर पूरे राज्य में प्रतिकार मार्च का आयोजन भी किया गया था। मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन लगाकर सुन्न करने और बाद में पट्टी लगाने का झंझट खत्म हो गया है। आपको मोतियाबिंद है तो बस ऑपरेशन थिएटर में जाएं, 20 मिनट में ऑपरेशन हो जाएगा और चश्मा पहनकर निकलने के करीब 2 घंटे बाद आंखें देखने लगेंगी। दरअसल IGIMS के क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में ट्रॉपिकल फेकोमॉल्फिकेशन के तकनीक से मोतियाबिंद की सर्जरी की जा रही है। इस विधि में 10 से 15 मिनट पहले प्रोपेरोकन सॉल्ट का ड्रॉप आंख में डाला जाता है, फिर ऑपरेशन से चंद मिनट पहले ड्रॉप डाला जाता है। इसके बाद नेत्र सर्जन आसानी से सर्जरी कर देते हैं। उसके बाद पट्टी लगाने की जरूरत नहीं होती है। मरीज OT से निकलने के 2 घंटे बाद देखने लगते हैं। IGIMS के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्या भूषण ने बताया कि ट्रॉपिकल फेकोमॉल्फिकेशन तकनीक मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है। इस विधि से 2 घंटे बाद ही मरीज देखने लगते हैं और मरीजों को पट्टी लगाने की जरूरत भी नहीं होती है। इतना ही नहीं, मरीज को ज्यादा समय तक भर्ती करने की भी जरूरत नहीं होती है। IGIMS प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है जहाँ सबसे पहले लेजर सर्जरी शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि संस्थान में जहाँ इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं अब इससे भी लेटेस्ट तकनीक लाई जा रही है। इससे मरीजों के इलाज में और बेहतर सुविधा होगी, साथ ही सर्जरी रिस्क को कम किया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन को लेकर बहुत कंफ्यूजन देखा जा रहा है। कोई 11 अगस्त यानी कि गुरुवार, तो कोई 12 अगस्त
यानी कि शुक्रवार को रक्षाबंधन होने की बात कह रहा है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां इस पर्व को लेकर चर्चा नहीं हो रही होगी। आस पड़ोस और घर परिवार में रक्षाबंधन की तिथि को लेकर चर्चा सप्ताह भर पहले से ही हो रही है। तिथि को लेकर हो रहे कन्फ्यूजन को आइए हम दूर करने की कोशिश करते हैं। दरअसल राखी का त्योहार सावन महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है। भाई भी अपनी बहनों को रक्षा करने का वचन देता है। ये त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। वहीं रक्षाबंधन की तिथि को लेकर जो उलझन की स्थिति है उसका बड़ा कारण भद्रा काल है। भद्रा काल के दौरान भाई की कलाई पर राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 11 अगस्त यानी कि गुरुवार को है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 11 अगस्त को भद्रा काल रहेगा, जिसके कारण 12 अगस्त को यह त्योहार मनाया जाएगा। जबकि रक्षाबंधन का त्योहार पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है। 11 अगस्त को 10:37 के बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो अगले दिन 12 अगस्त की सुबह 7 खत्म होगी। 11 अगस्त को 10:37 पर पूर्णिमा लग जाएगी। उसी दिन भाई बहन को रक्षा सूत्र बांध सकेंगी। भद्रा पाताल लोक में होगी, जिसका 11 तारीख पर कुछ खासा असर नहीं पड़ेगा और शुभ कार्य बाधित नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग भद्रा के डर से एकमत में नहीं हो रहे हैं। भद्रा अगले दिन सुबह 7:05 तक रहेगी। भद्रा के चलते ही कुछ लोग 12 अगस्त के दिन राखी बांधने की योजना बना रहे हैं, लेकिन 11 अगस्त के दिन भी राखी बांधी जा सकती है। 11 अगस्त की सुबह 10:37 से शुरू होकर 12 अगस्त की सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि है। ऐसे में 11 अगस्त की सुबह 10:37 के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। बिहार में स्नातक पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने के नियम में बदलाव होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में स्नातक पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि के मामले को सुनकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार स्नातक पास कन्या प्रोत्साहन राशि योजना के अनुसार हर साल 50,000 देती है। कई बार ऐसा मामला सामने आता है कि कई लड़कियों को भुगतान समय पर नहीं हो पाता है। अभी तक आवेदन करने वाली छात्राओं की विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से सर्टिफिकेट की जाँच होती है। उसके बाद प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में देने का प्रावधान है। अब मुख्यमंत्री ने इस नियम में बदलाव के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों की लापरवाही के कारण प्रोत्साहन राशि भुगतान में देरी होती है। सरकार ने छात्राओं को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए इंटरमीडिएट और स्नातक कन्या प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इस योजना का शुभारंभ 2018 में हुआ था। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास छात्राओं को 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए योजना की राशि डबल कर दी गई है। अब 50,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मतदाता सूची में अब बेहद आसानी से नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नए दिशा निर्देश के बाद बतौर मतदाता पंजीकरण कराने के लिए वर्ष में 4 मौके मिलेंगे। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर अर्हता तिथि के तौर पर मान्य होंगे। जिस तिमाही में नए मतदाता की आयु 18 पूरी हो जाएगी, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। 17 पूरी करने के बाद युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन की भी सुविधा अब शुरू हो गई है। उन्हें सिर्फ 1 जनवरी की अर्हता तिथि की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं रह गई है। अब से निर्वाचन नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जाएगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली हो। पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। बैंक में नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने पीओ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बंपर भर्ती के नोटिफिकेशन को बीती रात जारी किया गया है। जो भी लंबे अरसे से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। IBPS द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए 6,432 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर सरकार पर हमलावर होते दिखे। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर अपने फेसबुक और ट्विटर पेज पर एक पोस्ट किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि यह अयोग्य सरकार देश की आय को बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेच रही है। ऐसा देखा गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगारी, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को उठाने का काम करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने इस बार भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था देश की सबसे गंभीर व ज्वलंत समस्या है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार जन सरोकर के इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। यह अयोग्य सरकार देश की आय बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेचकर युवाओं एवं आमजनों को भ्रमित कर कितने दिन काम चलाएगी। बिहार के 23 जिलों में मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। इस बाबत चुनाव आयोग की ओर से नवंबर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में वैसे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा जहां लिंगानुपात कम है। राज्य का जनसंख्या अनुपात 918 है, जबकि मतदाता सूची का लिंगानुपात 904 है। इसे देखते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लिंगानुपात में हर हाल में सुधार होना चाहिए। राज्य के सिर्फ 15 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में जेंडर रेशियो आदर्श है, जबकि 23 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या औसत रूप से पुरुषों से कम है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि आयोग के निर्देश को सभी जिलों तक जारी कर दिया गया है। बिहार में अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है। ये बहाली अक्टूबर महीने से दानापुर में शुरू होगी। 7 से 23 अक्टूबर तक होने वाली भर्ती कार्यालय दानापुर स्थित चांदमारी मैदान में की जाएगी। बिहार के 7 जिलों में ये भर्ती होगी। इन जिलों में पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली शामिल है। खास बात यह है कि इस भर्ती रैली में महिला उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस रैली में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अक्टूबर के बाद उम्मीदवार पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। 18 सितंबर से अभ्यर्थियों के ईमेल पर एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर दी गई तिथि पर बताए गए जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अगर आप इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर